हे व्हाट्सअप दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू क्रिकेट 22 की वीडियो में। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच। अभी फिलहाल इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है चौथा टेस्ट मैच खेलने में। तो चौथा टेस्ट मैच आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर है। तो ये है दोनों ही टीम्स की प्लेइंग लाइनअप। तो अभी टॉस टाइम भी हो चुका है, तो इस मैच में मैं रोहित शर्मा के साथ खेलने वाला हूँ। तो अभी मैं टॉस जीता हूँ एंड पहली बैटिंग करना चाहता हूँ। सो गाइस, अभी हमारी बैटिंग आ चुकी है, पहली बॉल है वो। नाइस बॉल। और हाँ गाइस, अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, आगे ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। इसलिए अभी से ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट ओवर, वो फुल शॉट खेला है मैंने। और भाई पहली बाउंड्री आ चुकी है रोहित शर्मा की, क्या ही शानदार फुल शॉट के साथ भाई। नाइस शॉट ब्रो, मुझे एक बार के लिए ऐसा लगा कि मैं आउट हो जाऊंगा, पर अच्छी टाइमिंग थी इसलिए चौका मिल गया। अभी तीसरी बॉल पे भी हमें चौका मिल चुका है अपनी। वो गुड लेंथ की बॉल थी, कवर ड्राइव के लिए मैंने अगेन। और भाई चौथी बॉल में भी 4 रन, 3 बैक टू बैक बाउंड्री लगा दिए मैंने। भाई काफ़ी ख़राब बॉलिंग कर रहे हैं ये बॉलर। अबे यार, इस बार काफ़ी अच्छी बॉल थी। ओ नाइस फ्लिक शॉट, 2 रन आना चाहिए कम से कम। प्लीज़ जल्दी भाग जाना शुभमन गिल। ओ रोहित शर्मा फास्ट फास्ट। ओ नाइस रनिंग। लास्ट बॉल ऑफ दी थर्ड ओवर, अभी तक तो हम T20 की तरह बैटिंग कर रहे हैं। ओ लास्ट बॉल काफ़ी अच्छा था। सो गाइस, अभी हमारी स्ट्राइक आ चुकी है कूनेमन के सामने। पहली बॉल में तो हमने सिंगल चुराया है, प्लीज़। ओ नाइस रनिंग। ओ भाई थोड़ी सी अर्ली टाइमिंग हो गई थी, फिर भी 2 रन मिलेंगे हमें। ओ बाहर की बॉल को लीव करना है, खेलने नहीं जाना है ब्रो। ओ नाइस कवर ड्राइव अगेन। एंड भाई इस बार तो हमें पक्का 4 रन मिलना चाहिए क्योंकि टाइमिंग काफ़ी अच्छी हुई थी। और हाँ भाई, एक बार फिर से हमें 4 रन मिल चुका है। अभी मैं 13 बॉल पे 21 रन पे पहुंच चुका हूँ। नाइस बैटिंग रोहित भाई। अभी स्टार्ट तो हमें काफ़ी अच्छी मिल चुकी है क्योंकि स्टीव स्मिथ ने काफ़ी ख़राब कैप्टनशिप की है। अभी भी पीटर हेंस्कॉप को बॉलिंग दे रहे हैं एंड अगेन मैंने चौका बटोर लिया। सो गाइस, क्या लगता है इस बॉल पर चौका आएगा कि नहीं? इस बार भी मैंने उठा के खेला है, ओके टाइमिंग हुई थी, गैप में थी एंड लगातार 3 बैक टू बैक बाउंड्री लगा दिए मैंने इस ओवर में। और शुभमन गिल और रोहित शर्मा की 50 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है अभी। सो ओपनिंग पार्टनरशिप तो चौथे मैच में काफ़ी अच्छी चली है। ओ भाई प्लीज़, वो बच गया भाई ब्रो। ये स्टीव स्मिथ अभी क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से पीटर हेंस्कॉप को बुला लिया है। पर इस बार यार ओके टाइमिंग ही हुई है, 2 ही रन मिलेंगे हमें। ओ काफ़ी बढ़िया शॉट है ये, प्लीज़ 2 रन आने चाहिए शुभमन गिल, थोड़ा सा फास्ट भाग लेना। और 2 रन नहीं भाई, 4 रन मिल गए। अभी 22 बॉल पे हम 43 रन पे पहुंच चुके हैं ब्रो। देख, अभी मैं काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ, ऐसे ही बैटिंग करनी है अभी। आसानी से सिंगल आएगा, फास्ट भाग लेना। ओ नाइस रनिंग। तो यहाँ पे अब जाके स्टीव स्मिथ ने कोई बॉलर चेंज किया है, न्यू बॉलर आ चुके हैं टॉड मर्फी। पहली बॉल है उसके सामने, वो काफ़ी अच्छी बॉल। ओ नाइस शॉट, मर्फी के सामने भी कवर ड्राइव लगाई है मैंने। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कोई भी बॉलर हो, फिर भी मैं अपना फेवरेट शॉट तो खेलने ही वाला हूँ। स्टीव स्मिथ भी अभी नाखुश है सारे बॉलर से अभी। और गाइस, अभी हमारी पहली विकेट गिर चुकी है, न्यू बैट्समैन आए चेतेश्वर पुजारा मिचल स्टार्क के सामने। वो लीव किया है दूसरा बॉल। अबे यार, अभी चेतेश्वर पुजारा भी आउट हो चुके हैं मिचल स्टार्क के सामने ही। तो अभी न्यू बैट्समैन विराट कोहली आ चुके हैं, तो मैंने पहली बॉल पे सिंगल चुरा के उसको स्ट्राइक दी है। अभी मैं 49 रन पे खेल रहा हूँ, आउट स्विंग को मैंने देख ली थी इसलिए 1 रन चुरा लिया मैंने फाइनल लेग की ओर खेल के। और इस सिंगल के साथ मेरे 50 रन हो जाएंगे, काफ़ी अच्छी ओपनिंग कर रहा हूँ मैं अभी तक तो। 36 बॉल पे 50 रन बनाए, 138 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है मैंने, 8 चौके लगाए अभी तक। अभी थोड़ा सा प्रेशर हमारे ऊपर है तो मैं थोड़ा सा संभल के खेलने वाला हूँ, ऐसे ही सिंगल डबल चुराने वाला हूँ। ओ गुड लेंथ की बॉल पे क्या ही शानदार कवर ड्राइव। और इतनी अच्छी फील्डिंग नेथन लायन की, नाइस फील्डिंग ब्रो। फिर भी 2 रन मिल गए, नाइस रनिंग विराट भाई। ब्रो ये देखो, कवर ड्राइव तो काफ़ी अच्छी थी पर फील्डिंग भी क्या ही शानदार थी, बहुत ही तेज बॉल जा रही थी। और ये देखो भाई, नाइस फील्डिंग ब्रो। तो कैमरन ग्रीन का ये आखिरी बॉल है, अभी तक तो काफ़ी अच्छी ओवर डाली है, आखिरी बॉल में भी कोई रन नहीं। सो गाइज, अभी भी स्टीव स्मिथ ने नेथन लायन को नहीं बुलाया है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं वो। पर इसी बीच मैंने 1 रन चुरा लिया है अभी। अबे भाई, ओ मुझे लगा तो, अबे क्या हुआ ये भाई? भाई ये देखना क्या हुआ, थैंक यू फील्डर, ये देखना। अरे थैंक यू फील्डर ब्रो, वो इस बार अच्छी स्ट्रेट ड्राइव लगाई है मैंने, प्लीज इस बार 4 रन होना चाहिए, आउटफील्ड काफ़ी अच्छी है। और भाई चौका मिल चुका है हमें, 63 रन पे पहुंच चुका हूँ मैं अभी। वो पैरों में बॉल थी इसलिए मैंने स्क्वेयर लेग की ओर उठा के खेला है, पर यार वहाँ पे फील्डर है इसलिए 2 ही रन मिले। प्लीज़ पहुँच जाना रोहित भाई।
स्टीव स्मिथ भाई आपके टीम में नेथन लायन करके भी एक बॉलर है, उसको तो बॉलिंग दो, अभी भी आपने उसको बॉलिंग नहीं दी है। सो गाइस 24th ओवर में अब जाके नेथन लायन को बुला लिया है स्टीव स्मिथ ने, तो लेट्स सी नेथन लायन कैसी बॉलिंग करते हैं। पहले बॉल में तो मैंने उसके सामने सिंगल चुरा लिया है, काफी खराब बॉल था उसका। विराट भाई नेथन लायन के सामने संभल के खेल लेना, वो नाइस डिफेंस। तो अभी टॉड मर्फी आ चुके हैं, मर्फी की भी पहली बॉल में मैंने सिंगल चुरा लिया है, लेट्स सी इस ओवर पे हमारी स्ट्राइक आती है कि नहीं। तो विराट कोहली ने अपनी बात सुन ली है, तो अभी हमें स्ट्राइक मिल चुकी थी पर फिर से मैं अभी नॉन स्ट्राइकर रन पे चला गया हूँ। ओ नाइस फ्लिक शॉट, एक रन आना चाहिए जल्दी, अच्छा किया मना कर दिया, अच्छा हुआ अच्छा हुआ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आखिरी बॉल है टॉड मर्फी का, ओ नाइस कट शॉट, ये शॉट वैसे खेलना नहीं चाहिए था मुझे। और भाई काफ़ी देर बाद हमारे लिए बाउंड्री आ चुकी है, अभी अभी मैं 83 रन पे पहुंच चुका हूँ, नाइस शॉट। सो गाइस नेथन लायन के सामने हमें कब से बाउंड्री नहीं मिली है, वो बच गया इस बार तो मैं, पर पावरफुल शॉट था इसलिए हमें 2 रन मिलने वाले हैं आसानी से, बाउंड्री भी मिल सकती है शायद से क्योंकि बॉल भी काफ़ी ज़्यादा तेज रफ्तार से जा रही है। वो नाइस बाउंड्री मिल चुकी है हमें, सो ये देखो अर्ली टाइमिंग थी फिर भी हमें बाउंड्री मिल गई। सो गाइस अभी मैं 90 रन पे खेल रहा हूँ और विराट कोहली 40 रन पे, लेट्स सी उसका पहले 50 होता है कि मेरा पहले 100 रन। पहली बॉल से तो मुझे 4 रन मिल चुके हैं मिचेल स्टार्क की। सो गाइस अभी मैं 96 रन पे पहुंच चुका हूँ और भाई क्या ही शानदार पुल शॉट टॉड मर्फी के सामने, और इस पुल शॉट के साथ मैंने 100 रन भी बना लिए 84 बॉल्स पे, काफ़ी अच्छी नॉक खेली पर इस बार मैंने एक भी छक्का नहीं लगाया शतक में। ओ अच्छी शॉट तो नहीं है, ओ भाई फील्डर को क्लियर कर गई, और इस चौके के साथ विराट कोहली और मेरे बीच 100 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है। सो अभी एक बार फिर से मिचेल स्टार्क आ चुके हैं, साइड चेंज करी है अभी, ओवर द कवर्स खेला है मैंने, क्या 6 रन होगा, पर यार बाउंड्री बहुत ही बड़ी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे इसलिए चौका ही मिला। सो गाइस अभी भी मैं पहले छक्के की तलाश में हूँ पर इस बार तो पक्का हमें 6 रन मिल जाएगा ओवर द कवर्स, क्या ही शानदार। सो गाइस मिचेल स्टार्क के सामने ओवर द कवर्स आगे बढ़ के खेलना वो कोई छोटे मोटे प्लेयर की बात नहीं है, ये तो रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बैट्समैन ही कर पाते हैं। सो गाइस अभी कवर्स पे फील्डर आ चुका है पर इस बार मैंने स्ट्रेट ड्राइव लगाया है एंड भाई छक्के के बाद हमें चौका मिल चुका है अभी। भाई अभी स्टीव स्मिथ भी मिचेल स्टार्क के पास आ चुके हैं उसको समझाने के लिए, ओ इस बार भी उठा के खेला है, इस बार तो ओवर द मिड ऑफ एंड 4 रन, ओ अगेन उठा के खेला है प्लीज, ओ इस बार भी गैप में था इसलिए इस बार भी हमें चौका मिल चुका है। चलो रोहित शर्मा काफ़ी अच्छा खेल रहे हो आप, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस ओवर में अभी भी छक्का आ सकता है। अबे यार छक्का मारने के लिए मैं गया उसमें ही अभी मैं आउट हो चुका हूँ मर्फी के सामने, भाई क्यों यह शॉट खेलने की ज़रूरत थी, 95 बॉल्स पे 127 रन बनाए, काफ़ी अच्छी बैटिंग की है और अभी मेरे बाद में केएल राहुल को भेजता हूँ। वो भाई विराट कोहली ने भी शतक बना लिया है, काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के फैंस के लिए, क्या वो रियल में शतक बना पाएंगे आप कमेंट में बताना मुझे। सो पहली इनिंग में तो इंडिया की टीम ने टोटल 375 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने तो अपनी पहली इनिंग में सिर्फ 158 ही रन बनाए, सबसे ज़्यादा विकेट लिए अक्षर पटेल ने, 4 विकेट लिए क्योंकि उसका होम ग्राउंड भी है। सो अभी फिलहाल मेरे साथ शुभमन गिल भी आ चुका है दूसरी इनिंग में बैटिंग करने के लिए, पहली बॉल पर 1 रन, अभी हमारे पास 217 रन की लीड है। ओ पहली बॉल पर ही मैंने उठा कर खेला है प्लीज़, वो बच गया मैं पहली बॉल से तो 4 रन, ओ इस बार दूसरी बॉल पे मैंने उठा के खेला है प्लीज़ 6 रन, अबे यार 6 रन तो नहीं हुआ, 4 ही रन मिले, तो पहली 2 बॉल में से मैंने 8 रन बना लिए अभी। ओ तीसरी बॉल पे भी मैंने उठा के खेला है एंड तीसरी बॉल पे तो हमें 6 रन मिल चुके हैं अभी। आखिरी बॉल टूर्नामेंट की उठा के खेला है, फील्डर नीचे है पर उसको क्लियर कर जाएगी एंड छक्का है कि चौका, ओ 6 रन मिल गया हमें, भाई क्या ही शॉट था ये तो, ओ नाइस फ्लिक शॉट, क्या इस बार चौका मिलेगा हमें, टाइमिंग अच्छी हुई है प्लीज़, और भाई 2 बैक टू बैक बाउंड्री लगा दी है मैंने। ओ स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लॉन्ग वन पे फील्डर है पर अच्छी टाइमिंग हुई थी इसलिए वो गेम में ही नहीं आए और 6 रन। तो गाइज अभी तक तो ये पिच मुझे बैटिंग फ्रेंडली लग रही है, भाई ऐसा शॉट खेलने की क्या ज़रूरत थी यार, इसके पहली वाली बॉल पर तो छक्का आ चुका था तो क्यों ऐसा शॉट खेलने की ज़रूरत थी। 12 बॉल पे मैंने 33 रन बनाए 275 की स्ट्राइक रेट से, काफ़ी अच्छी अटैकिंग बैटिंग कर गया मैं, लेट्स सी इंडिया को कितनी लीड मिलती है। सो गाइस फाइनली इंडिया 393 रन से जीत चुका है ये मैच, बहुत ही बड़े मार्जिन से जीता है। सो ओवरऑल रोहित शर्मा द कैप्टन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही इस मैच में, तो ये सीरीज भी इंडिया जीत चुका है। सो गाइस अभी मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।